हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिगिनर्स मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि हर बिगिनर्स जो भी मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनकी शादी होने वाली है, जिनको मेकअप की नॉलेज लेनी है, तो उनके मेकअप किट में क्या एसेंशियल्स होनी चाहिए जिससे कि अपना मेकअप ईजिली सीख सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो बात आती है बीबी क्रीम की। तो आप कोई भी अपनी फेवरेट बीबी क्रीम, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी ओले नेचुरल वाइट। इट्स एक्चुअली अ वेरी इंस्टा ग्लोइंग फेयरनेस क्रीम, तो आपको बहुत ही फेयरली सा ग्लो दे देती है फेस। इट्स माई फर्स्ट रिकमेंडेशन। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी बीबी क्रीम्स हैं, लाइक मैबलिन की क्रीम है। मैबलिन बीबी क्रीम इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट एंड मिक्स विद फाउंडेशन, तो भी अच्छी है। जॉविस का भी एक फेयरनेस क्रीम है, वो भी बहुत अच्छा है। सेकेंड ऑप्शन है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगी जॉविस का सेल्फ फाउंडेशन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप डेली अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे। इट्स वेरी हर्बल एंड नेचुरल। सेकेंड ऑप्शन इज मैबलिन का फिट मी। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ब्लेंड विथ योर फिंगर्स, सो इट्स माई सेकेंड रिकमेंडेशन। एंड आप और हाईली अगर जाना चाहते हो तो बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, आप उसका रिव्यू देख सकते हो। बट मैं अफोर्डेबल रेट की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे आपको ये तीन रिकमेंड करूँगी। थर्ड ऑप्शन इज़ आप लैक्मे का भी फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ कंसीलर। तो कंसीलर के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है मेबलिन का फिट मी कंसीलर एंड एले प्रोवल का कंसीलर। ये दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एंड फिर मेकअप ब्रश। तो मेकअप ब्रश के लिए आप जो है वो बहुत सारे मार्केट में हैं लेकिन बहुत महंगे हैं वो सब। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वेगा ब्रांड के मेकअप ब्रशेस में जाएं। ये बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत अफोर्डेबल रेट्स है, तो मुझे इसका अच्छा लगा। तो कलर बार का ब्रश भी बहुत अच्छा होता है, आई थिंक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा वो, तो आप वेगा के ब्रशेस में जाएँ वो सही है। उसके बाद में बात करूँ कॉम्पैक्ट की, तो कॉम्पैक्ट में मैं लैक्मे 925 और लॉरियल मैट मैजिक। दिस ऑल्सो अ वेरी जेन्युइन गुड क्वालिटी एंड वेरी अफोर्डेबल रेट, सो इट्स नाइस। इट्स माई रिकमेंडेशन। काजल में आप लैक्मे का आइकॉनिक काजल चूज करें। दिस इज़ वन ऑफ द माई बेस्ट काजल एंड इट्स 295 आई थिंक। एंड लाइनर के लिए आप अगर स्केच लाइनर पे जाना चाहते हैं तो मैबलिन का कोलोसल लाइनर एंड लैक्मे का लिक्विड लाइनर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल रेट एंड इजीली अवेलेबल इन एवरीवेयर। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी मैबलिन का सेंसेशनल लेस सेंसेशनल फुल फैन इफेक्ट मस्कारा। दिस इज़ वेरी बहुत अच्छा है ये और बहुत प्रॉब्लम देता है आपके आईज़ को, तो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन फॉर मस्कारा। आप और मस्कारा लेना चाहते हो, अगर आप इतना मस्कारा यूज़ नहीं करते तो आप ब्लू हेवन का छोटा सा मस्कारा आता है उसको भी ले सकते हो। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने एक नो मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने उसको दिखाया था। तो आप अगर कम मस्कारा यूज़ करते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड लिपस्टिक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप कलर बार के लिपस्टिक पे जाइए, फिर एडियस ब्रांड के लिपस्टिक पे। दीज आर ऑल्सो वेरी चीप रेट एंड वेरी गुड क्वालिटी वाइज। और इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने का एक ट्रिक होता है, अदरवाइज ये 5-6 घंटे तो आपके लिप्स पर से कहीं नहीं जाते। बट अगर आप इसको फिर भी लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगी, आप लोग को बताऊँगी कि अपने लिपस्टिक को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। एंड समीज तो ये आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो आई थिंक सन क्लिप्स, सारे पिंस, सो आई थिंक ये चीज़ें अगर है तो आपने मेकअप की तैयार कर लिया, तो आपके पास अच्छी चीज़ें तो आई थॉट की होनी भी चाहिए क्योंकि आप इजीली अपना मेकअप जो है वो कर पाएंगे। और आई
थॉट मैंने सब कवर कर लिया, अगर कुछ बच गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बी हैप्पी एंड लिव लाइफ कलरफुली।